Today we will do exercise 14E, chapter 14, equation of a line. अब बच्चे थोड़ा सा मैं फिर से डिस्कस कर दूं. स्लोप गरिमा किसके इक्वल होती है जब इंक्लिनेशन दिया हो? टेन थीटा. वन मोर फॉर्मूला फॉर स्लोप. y2 minus y1 upon x2 minus x1. वेरी गुड. दिस इज स्लोप. जनरल इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन क्या है? mx plus c. अब जब बच्चे हमें कोई एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, एट दैट टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y minus y1 is equal to mx minus x1. ये वो. अब जो लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस की जो स्लोप है इक्वल होती है. स्लोप क्या होती है? इक्वल. परपेंडिकुलर लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसकी स्लोप कितनी होती है? जीरो. स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस अनडिफाइंड. उसकी अनडिफाइन होती है. ठीक है, ये बेटा हमारे पास. अभी हम बच्चे 14th ई का फर्स्ट सम कर रहे हैं. पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी. ए एंड बी इन द रेशियो 3:5. पी पॉइंट है जो 3:5 में डिवाइड कर रहा है ए बी को. ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 8:0, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -16, -8. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी. पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. सेक्शन फार्मूला खुशी गुप्ता. एक्स बच्चे सेक्शन फार्मूला से किसके इक्वल होता था फार्मूला? यस सर, m2 into x1. यस यस यस, सही है. m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. 3 into 16. This is x1 y1. Yes, this is x2 y2. -16 नहीं है ना? बच्चे 16 है only. Okay sir. तेरे पास सच बुक नहीं है, है ना? Yes sir. 5 into 8. नीचे बेटा m1 plus m2. 3 plus 5. M की वैल्यू, सॉरी x कितना आ गया? 48 प्लस 40? यस सर. 11 अपॉन 8. 88 अपॉन 8 11. सेम वे से बच्चे y. m1 y2 सेक्शन फॉर्मूला में सीधा लिख रहा हूँ, अभी वैल्यू फिल कर रहा हूँ. प्लस 5 into 0 अपॉन 3 प्लस 5. -24 अपॉन 8. 5 into 0 0 ही बन जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 आ गया. मतलब P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए? 11 एंड -3 आ गए. अब उन्होंने क्या लिखा है आगे? Also find the equation of line through P parallel to this. P में से एक लाइन जा रही है और एक और इक्वेशन लाइन दी थी, उसकी इक्वेशन दी हुई है 3x plus 5y is equal to 7. चलो नेक्स्ट पेज पे मैं बच्चे फिर से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. P पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, मैं ए बी नहीं ड्रॉ कर रहा, सिर्फ 11 एंड माइनस 3 पी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. कहते फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल थ्रू पी. पी से किसके पैरेलल? एक इक्वेशन, एक और लाइन के पैरेलल जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है. क्या गिवन है इसकी इक्वेशन? 3x plus 5y is equal to 7 गिवन है. यस, ये जो लाइन है वो पी 11 माइनस 3 में से पास कर रही है. इसकी इक्वेशन गिवन है. एक मिनट जस्ट वेट. प्रियांशी कैसे करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड द, सर पहले हम स्लोप निकाल लेंगे. किसकी?
सर पी वाले की पी वाले की स्लोप कैसे नहीं इस दूसरे वाले की 3x plus 5y is equal to 7 वाले की पहले y की वैल्यू निकाल के फिर y equals mx plus c से कंपेयर करते 7 minus 3x y is equal to 7 minus 3x upon 5 अभी सिर्फ प्रियांशी ही बताएगी हमें ये पीछे लिख दिया बच्चे क्योंकि मुझे किस फॉर्म में चाहिए था mx plus c की फॉर्म में चाहिए था ले आए हम अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्रियांशी minus 3 upon 5 minus 3 upon 5 दैट इज द वैल्यू ऑफ m m की वैल्यू आ गई m क्या है स्लोप है स्लोप आ गई बच्चे हमारे पास अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसकी स्लोप क्या होगी इक्वल यहाँ पे क्या लिखेंगे चलो मैं थोड़ा सा ना इस पार्ट में ही कर देता हूँ इसके नीचे करना है तुमने यहाँ नहीं करना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंस स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम आर इक्वल या सेम देयरफोर स्लोप ऑफ दिस लाइन is also minus 3 by 5. Now equation of line passing through P. Y minus Y1 equals M into X minus X1. Very good. Y as like, Y1 ki value? 11. Oh, minus 3. Mere ko saath mein le jana paper mein. Theek hai Priyanshi? No, sir. मैं बता दूंगा नहीं ये नहीं आएगा चलो y प्लस थ्री बच्चे माइनस थ्री एक्स माइनस इलेवन y प्लस थ्री माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट माइनस थ्री एक्स प्लस थर्टी थ्री y माइनस थ्री एक्स को इस साइड ले आओ थ्री को चाहे उस साइड ले आओ चाहे थर्टी थ्री को इस साइड ले आओ इज इक्वल टू थर्टी थ्री माइनस कहां गया माइनस थ्री अपॉन फाइव ओह सॉरी 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 5y plus 15 आना था ना सॉरी बच्चे माइनस 3x plus 3x हो गया 33 18 15 उस साइड जाके माइनस हो गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई 5x plus 5y plus 3x is equal to 18 दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू p पैरेलल टू दिस लाइन अंडरस्टूड समझ गए यस सर सेकंड The line segment A and B is divided by the in the ratio. Five y plus three x किसके equal आ गया बच्चे 18 के equal आ गया ये equation आ गई अब जो second sum है वो बिल्कुल same to बिल्कुल same type का ही है That is of same type. But इसमें क्या है लाइन जैसे पैरेलल थी यहां पे परपेंडिकुलर है अभी सेकेंड सम मुझे करवाए अर्शिया करवाएगी द लाइन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी ए के कोऑर्डिनेट क्या है थ्री माइनस फोर बी के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस टू वन is divided in the ratio 1 ratio 3 at point P. ये 1 है, ये 3 है. सबसे पहले तो P के coordinates find करो. Yes, Arshia, X किसके equal? Sir, M1 X2 plus M2 X1. Yes. Upon M1 plus M2. तो यहाँ से क्या आएगा बच्चे हमारे पास? 1 into minus 2. 1 into minus 2 1 into minus 2 plus plus into 3 divided by 1 plus 3 minus 2 plus 9 upon 4 ye aayega na 7 upon 4 7 upon 4 same way y m1 y2 plus m2 y1 1 into 1 plus 3
4 minus 4 niche 1 plus 3 1 minus 12 upon 4 minus 11 upon 4 yes x and y aage hamare paas now P पॉइंट को बच्चे मैं अलग से ऐसे डिनोट कर लेता हूं ठीक है दैट इज माइनस 11 बाय 4 इसमें से एक लाइन पास कर देता हूं P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट माइनस 11 बाय सॉरी 7 बाय 4 एंड माइनस 11 बाय 4 P के कोऑर्डिनेट लिख दिए इस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है 90 एंगल बना रही है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है कितनी क्या गिवन है उसकी इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 Yes, Arshi, आप क्या करें? So we will find the slope of this line. Yes, sir. Minus 3y is equal to 5x plus 4. Minus 5x plus 4. Y is equal to minus कहाँ रह गया था तेरा? So मैंने तो नहीं आई आवाज नहीं आई इतनी. Y is equal to 5x plus 4 upon minus 3. Yes. Minus se minus cut gaya. Y is equal to 5x upon 3. Minus 4 upon 3. To slow. Kiske saath compare karenge isko? Mx, y is equal to mx plus c. And what we get? M is? 5 upon 3. 5 upon 3. M ki value. C ki value nahi chahiye mujhe. Theek hai? सिर्फ स्लोप चाहिए थी इसको बच्चे M1 ले लूं मैं यस सर नाउ वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज माइनस वन M1 हम फाइंड कर लिया हमने 5 बाय 3 इनटू M2 माइनस वन M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 दैट इज द वैल्यू ऑफ M2 M2 की वैल्यू आ गई मतलब M1 इसकी स्लोप है उसकी वैल्यू आई थी 5 बाय 3 इसकी स्लोप कितनी आ गई माइनस 3 बाय 2 और 3 बाय 5 सॉरी अब इक्वेशन ऑफ लाइन अर्शिया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 कोई तरह एग्जाम हुआ है स्कूल में टेस्ट या एग्जाम यस सर कितने मार्क्स आए हैं सर 20 में से 19 एक नंबर कहाँ खा गई भूख लगी थी हैं इसको बच्चे सॉल्व कर लोगे आगे यस सर हो जाएगा ना Yes, sir. Now the third sum. A line 5x plus 3y plus 15 is equal to 0 means yx is at point P. Find the coordinate of P. Find the equation of line through P and perpendicular to this line. Yeh hai, bachche. Yeh hai na? एक लाइन है कोई वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रही है पी पे इस लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें क्या गिवन है 5x plus 3y plus 15 is equal to 0 ये गिवन है ना तो गरिमा कहां चली गई आगे हंसिका यस सर यस बच्चे बताओ मुझे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सर पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे बच्चे मैंने P की वैल्यू पूछी है सर अगर y एक्सिस से मीट कर रहा है तो सर y की वैल्यू 0 होएगी x की वैल्यू 0 होएगी समझे यस सर इसकी इक्वेशन दी है उल्टा होता है x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ऑन y एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है x 0 होता है ना
जहां x है वहां जीरो फिल कर दो, सिवाय प्लस 15 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये तो जीरो बन ही गया है। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15 अपॉन 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 आ गई। y आ गया बच्चे हमारे पास। Yes, sir. अब y है, x जीरो है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गई, जीरो, मतलब नीचे आना था। चलो कोई बात नहीं, हमने तो रफली है ये फिगर, मुझे क्या पता था ऊपर कट करेगा कि नीचे कट करेगा। फाइंड हो गया एक पार्ट हमारा सॉल्व, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आ गए, 0, -5, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू, अब p पॉइंट मैं यहां पे ले लेता हूं अलग से, 0, -5, p में से कोई लाइन जा रही है और परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन पे, उस दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, x-3y+4=0। यस अंशिका, हाउ वी कैन फाइंड, ये जो x-3y+4 की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर m1 into m2 का -1 करके, सेम आप बच्चे सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह बन गया ना। यस सर, पॉइंट फाइंड कर लिया। अब ये दूसरी इक्वेशन है, -3y x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 4 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू बच्चे -x/-3, -4/-3, माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस प्लस, y=mx+c के साथ कंपेयर कर दो, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी ना हंसिका। यस सर, m1 आ गया। नाउ वी नो दैट द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 m1 1/3 है, m2 फाइंड करना है, -1, m2 की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, -3 आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू p, y-y1 m(x-x1) या m2 ले लेंगे, y as like y1 कितना है, -5 ऐसे, m2 की वैल्यू -3 फाइंड की है, x-x1 0, y+5 is -3x ना, y+3x 5 उस साइड आ गई, क्या हो गया, -5 हो गया। ये आ गई बच्चे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। यस सर, गरिमा गरिमा, यस सर, कहाँ गायब हो गई थी सर, वो फोन स्विच ऑफ होने वाला था, अब चार्ज कर लिया के, सर चार्जिंग पे लगाया सर, चार्जर नहीं मिल रहा था। ओके, फोर्थ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस गरिमा, करवाओ बच्चे मुझे, दो लाइंस दी हुई हैं, kx-5y+4=0 और दूसरी लाइन क्या है, 5x-2y+5=0। हाउ वी कैन डू, दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, k की वैल्यू फाइंड करनी है, करवाओ बच्चे मुझे। गरिमा सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इसका मल्टीप्लिकेशन m बार सर, हम लोग वो स्लोप्स फाइंड करना होगा। हाँ फिर करवाओ सर, -5y = -kx-4, 5y = सीधे कर दे, -5 को नीचे ले जाना बच्चे दोनों के। यस सर, माइनस से माइनस कट, किसके साथ कंपेयर, mx+c के साथ, m1 डाल दो क्योंकि दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई करनी है ना। यस, लाइन बीच में खींच दो, चाहे खींचनी है तो, कंपेयर किया तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/5 फ्रॉम हियर सर, 2y = 5x+5। चलो मैं उस साइड ले गया, ठीक है, एक ही बात है। यस सर, ठीक है गोरीमा,
प्लस 5 बाय 2 बेटा कंपेयर करो इसको किसके साथ m2 प्लस x प्लस c व्हाट वी गेट m2 इज 5 बाय 2 सेंस यहां लाइन प्रॉपर मेंशन करना है रीजन दीस टू लाइंस या अबव टू लाइंस आर परपेंडिकुलर अबव टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर The slopes will be is equal to minus 1. M1 into M2 is equal to minus 1. Slope ki multiply kya hogi? Minus 1 ki equal hogi. M1 is k upon 5. Into 5 by 2 is equal to minus 1. K is equal to minus 2. Very good. This is the answer. गरिमा कोई टेस्ट हुआ है स्कूल में एग्जाम हुआ है सर दो हुए हैं माय मार्क्स सर 20 आउट ऑफ 20 यस सर गरीबों का भी सोच लिया कर दान दून कर दिया कर ठीक है यस सर मजाक कर रहा हूं बच्चे वेरी गुड हंसिका तेरा हुआ है कोई टेस्ट नो सर क्यों सितंबर में आपके लिए बस वो और नहीं स्कूल में टेस्ट तो लेती हैं नहीं सर अभी नहीं हुआ कुछ अभी कोई नहीं हुआ नो सर ओके यहां पे देखो बच्चे सर मेरा भी हो गया मैथ्स का किसका दिवांशु हां जी दिवांशु जी क्या है हुआ अभी रिजल्ट तो नहीं बताया लेकिन अच्छा गया था अच्छा गया था ओके A straight line passing through the point P and Q. P and Q, बच्चे point figure भी दी हुई है, तो same figure मैंने draw कर दी. Minus 1, 4 and 5, minus 2. If intersect the coordinate axis at point A and B, x axis को A पे cut कर रही है, y axis को B पे cut कर रही है. M is the midpoint of the segment AB. M AB का midpoint है. Midpoint मतलब MB and AM are equal. Find the equation of line. इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है हाउ वी कैन फाइंड सबसे पहले तो यस यस बोलो सर वी विल फाइंड स्लोप इस इक्वेशन स्लोप को फाइंड करेंगे बोलना नहीं है गरिमा चुप रहना चुप 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 सदव स्लोप कैसे फाइंड करेगी बच्चे सदव बोलना नहीं है यस सर हां बोलो बोलो बच्चे सदव फार्मूला आज डिस्कस सर y2 minus, हां y2 minus y1 upon x2 minus x1 वेरी गुड m y2 कितने यूज करें चाहे इसको ले लो बच्चे चाहे इसको ले लो किसी एक को ले लो 4 ले ले यस 4 minus? Minus. हाँ, ठीक है. Upon? Plus 2. Sir. Minus 1? Minus 5 नहीं आएगा बेटा नीचे पहले. Sadaf? Yes, sir. कहाँ so, busy है? Glitch हो रहा है. क्या glitch हो रहा है? Network? Yes, sir. चलो m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन आ गई स्मॉल है दैट इज अ स्लोप अब इक्वेशन ऑफ लाइन सदा फॉर्मूला सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1 पास में कौन बैठा है तेरे तो कोई भी नहीं है है कोई मुझे आवाजें आ रही हैं चलो मजाक कर रहा हूं कोई आवाज नहीं आ रही y minus 4 किसके इक्वल्स अदव माइनस x माइनस 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 ही आ जाएगा ना 1 सर y plus x माइनस 1 plus 4 3 ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ ठीक है सदव Yes, sir.
किसी को कोई डाउट हो बच्चे इसमें? नो सर। ध्रुव जी कुछ समझ आ रहा है? सर ये मेरा मतलब आज पहला ही दिन है तो पता है मुझे, पता है तभी मैंने फार्मूला लिखवाए थे स्टार्टिंग में, नहीं तो मैं फार्मूला लिखता नहीं होता फिर से, तेरे लिए लिखे थे सिर्फ, समझे? यस सर। फॉर्मूलास लर्न करनी है उसके बाद। कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। अब बच्चे ए के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट सदफ कौन सी एक्सिस पे है? गुप्ता जी। यस सर। बस गुप्ता जी। खुशी। यस सर। आप गुप्ता जी हो ठीक है ना? ओके सर। ए के कोऑर्डिनेट बच्चे कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन आ गई इस लाइन की? यस सर। ए पॉइंट कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है? एक्स, तो वाई जीरो हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए क्या? आ गए 3.0। बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? हम एक्स की वैल्यू को 0 लेंगे, x की वैल्यू को 0 फिल करेंगे, तो y 3 आ जाएगा ना, तो क्या आएगा? 0.3। मम्मा ने बोला कि ऊंची नहीं बोलना तूने? सर नहीं। ऊंची बोल फिर। a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, m के कोऑर्डिनेट्स बता कैसे फाइंड करेगी? एम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है ना? यस सर। तो बता मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना कि नहीं पता? एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, जीरो प्लस थ्री अपॉन टू एंड थ्री प्लस जीरो अपॉन टू। यस सर। यस सर। अब यस सर का क्या फायदा? 3/2 1.5, ये भी कितना आ जाएगा? 1.5। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 1.5 1.5 या 3/2 3/2, जैसे मर्जी रख दो। समझ गए बच्चे? यस सर। नाउ सिक्स सम, क्वेश्चन नंबर 6। ये सम्स कितने हैं? 30 हैं कि 30? ओहो 41 है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे। 1, 5 एंड -3, -1 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्सेस ए एंड सी रिस्पेक्टली ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ रोम्बस। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ रोम्बस। किसको ब्रेक? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। 1, 5 एंड -3, ए एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। 1, 5 दिए हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? -3, -1 दिए हैं। ऑफ रोम्बस ए बी सी डी फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी की इक्वेशन ऑफ लाइंस पास फाइंड करनी है। सबसे पहले डायगोनल्स क्या करते हैं रोम्बस के? बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंड दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। यस सर। सिंस ओ इज द एक मिनट किससे पूछूं मैं, हंस का क्यों करूं? Divanshu, O is the midpoint of AC. So coordinates of OR, OK coordinates, two comma four कैसे आएगा? 1, -3 upon 2 and 5, -1 upon 2. x1 plus x2 upon 2, y1 plus y1 upon 2.
minus 2 upon 2, minus 1, 4 upon 2, 2, minus 1, comma 2. Okay, coordinate aa gayi. Ab bachche kya kare hum? Bolo so first we calculate the slope of AC by using m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Yes, now slope of equation line AC, m. y1 minus y2 upon y2 minus y1. Yes, value of y2, 5 le lete hain. 5 plus 1 upon 1 plus 3. 6 upon 4. Cut kiya, 3 upon 2. Ab equation of line AC. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y, y1 kitna? Chahiye, k le lo, chahiye le lo. Koi marzi le lo. 5. 5. M, 3 by 2 aaya tha bache. 3 by 2. X minus. Into x minus 1. Cross multiply kar do. 2y minus 10. 3x minus 3. 2y minus 3x. Minus 3 plus 10. 2y minus 3x kiske equal aa gaya? 7 ke equal aa gaya. ये किसकी स्लो वो आ गई इक्वेशन ऑफ एसी आ गई अब मैं बीडी यहीं पे कर देता हूं उसके साथ सर नाउ वी विल यूज m1 into m2 is equal to minus 1 बिकॉज़ द लाइंस डायगोनल्स विल बी परपेंडिकुलर वेरी गुड इसको m1 ले लो ना यहां पे भी m1 लिख दो 3 by 2 into m2 is minus 1 m2 की वैल्यू बचे minus 2 by 3 अब इक्वेशन ऑफ लाइन बीडी सर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1 y y1 क्या यूज करूं सर 2 m माइनस 2 बाय 3 x माइनस x1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा देखो ये पॉइंट o जो है वो बीडी में से कर रहा है ना अब यहां पे जो y1 एंड x1 है चाहे इसके ले लो तीनों से इक्वेशन यही आएगी हमारे पास ऐसे इसमें सिर्फ b और d नहीं पता थे बट o के कोऑर्डिनेट पता है तो bd o में से ही पास कर रही है ना 3 को ऊपर ले जाओ 3y - 6 is equal to minus 2x minus 2 यही आएगा ना यस सर minus 2 plus 6 4 आ जाएगा This is the equation of line BD. BD की equation of line आ गई बच्चे हमारे पास. ठीक है? Yes, sir. हो जाएगा? Seven sum. किसी को समझ ना आया हो बच्चे ये sum? आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Seven sum. A, B, C. Can show that this can be the vertices of a square. A 3, 2, B 6 minus 2, C 2 minus 5, D this one. Yes, Priyanshi, how we can prove? These are the vertices of a square, ABC. Tell me fast. Priyanshi, are you listening? Yes, sir. कैसे करेंगे बच्चे? बता सकते हो? Yes or no? No, sir. No. Raghav. Sir, may I try? एक मिनट बच्चे, एक मिनट सबसे पूछता हूँ. Raghav. Yes, Bata, sir. How we can check these are the vertices of a square? No? No, sir. Samridhi? Yes, Samridhi. Bata sakte ho, bache? Sir, D का find करके coordinate फिर
फिर स्लोप निकालेंगे फिर स्लोप किसकी यहाँ बच्चे इन्होंने कोई ऐसे मेंशन तो किया नहीं ना कि yes. वो करो शो दैट दिस 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 कैन बी द हाँ अभी कौन कह रहा था कि मुझे पता है गरिमा समय आए से पहले हम लोग सर स्लोप फाइंड कर लेंगे ए डी बी सी ए बी सी डी की सर अगर ए डी पैरेलल होगी बी सी डी की स्लोप कैसे आएगी सर डी की स्लोप सी डी की सर एक सेकंड सर ए डी की स्लोप सर बी सी की इक्वल होगी ए बी की स्लोप बी सी की इक्वल आ जाएगी ठीक है फिर तो सर पहले बी सी की स्लोप फाइंड करेंगे तो सर अगर ए बी एक्सक्यूज मी सर एक सेकंड बच्चे एक मिनट गरिमा प्लीज एक सेकंड बच्चे हाँ गरिमा उलझ गई सर आपको क्वेश्चन क्या था फिर से रिपीट करिए ए बी सी तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं हमें सर समझ में आ गया सर अगर सर ए डी पैरेलल बी सी है होगी और ए बी और होगी सर, नहीं स्क्वायर प्रूफ करना है स्क्वायर के वर्सेस स्क्वायर ले ही नहीं सकते उसको स्लोप ऑफ AD विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC सर एंड स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AD पॉइंट ही नहीं पता D पॉइंट नहीं पता तो पहले D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे समृद्धि सही थी और हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा बच्चे ओ O AC का मिड पॉइंट है O के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे सेंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर थ्री प्लस टू अपॉन टू फाइव बाई टू मैंने सीधा लिख दिया टू माइनस फाइव माइनस थ्री बाई टू सीधा लिख दिया नाउ O इज Also the midpoint of BD. तो इसको बच्चे मैं X4 Y4 ले लूं ज्यादा अच्छा रहेगा तो 6 plus X4 by 2 किसके इक्वल O का जो ये था 5 by 2 सेम वे से minus 2 plus Y4 upon 2 किसके इक्वल minus 3 by 2 के X4 and Y4 निकाल लोगे बच्चे टू से टू कट गया एक्स फोर की वैल्यू माइनस वन आ गई टू से टू कट गया माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन आ गई ये दोनों ही माइनस वन आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स ओके समझे यस सर अब चारों के वर्सेस पता है हमें यस सर ए बी की स्लोप सी डी की स्लोप के इक्वल बी डी बी सी की स्लोप ए डी की स्लोप के इक्वल ये इसके पैरेलल अभी तो क्या बनी है ये पैरेललोग्राम ही बनी है फिर इन दोनों की स्लोप है जो उनकी मल्टीप्लाई कर देना वो माइनस वन आ जाएगी तो ये एंगल 90 हो गया पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 तो स्क्वायर बन गया सॉरी रेक्टेंगल बन गया अब ये डिस्टेंस बच्चे फाइंड कर लेना वो क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे ए बी एंड बी सी डिस्टेंस फार्मूला से ये फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला याद है x2 minus x1 का whole square directly distance formula से नहीं कर सकता कर सकते थे सर मैंने सर सबकी slopes find कर ली थी फिर उसके बाद सर AD BC के parallel थी और सर AB CD के तो फिर सर slope of AD और BC equal थे और सर AB और CD भी फिर equal होगे तो ऐसे सर directly भी तो सर कर सकते हैं फिर parallelogram ही बनाना बेटा पैरेललोग्राम वो तो मैंने बोल ही दिया ना ए बी बी सी सी डी डी ए की स्लोप निकालेंगे ए बी की स्लोप सी डी के इक्वल आ जाएगी इसकी स्लोप इसके इक्वल आ जाएगी तो पैरेललोग्राम ही बनाना बेटा तो सर डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला से भी सारे हाँ जी हाँ जी नाइन्थ में जैसे किया था उस टाइप से कर सकते हैं ओके सर अब ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप जो हमने फाइंड किया उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा तो ए बी बी सी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये एंगल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा ना 90 एक एंगल 90 हो गया तो ये रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल नहीं हमें स्क्वायर चाहिए ए सी और बी डी
दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई, एसी और बीडी की स्लोप भी निकाल लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस वन आ जाएगी, तो यहाँ 90 हो गया ना, 90 हो गया, यस और नो? यस। तो एसी और बीडी परपेंडिकुलर हैं और ये इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगी ये साइड, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट भी हमारा हो चुका है क्योंकि डीके कोऑर्डिनेट्स कहा था वो हमने फाइंड कर दिया। रिपीट कर दीजिए फर्स्ट पार्ट। कोई बात नहीं, सारा करूंगा, रुक जा, फिर से सारा फिगर में समझाऊंगा, ठीक है। विदाउट, फर्स्ट पार्ट तो हो गया डीके कोऑर्डिनेट्स, अब सेकंड विदाउट यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी, डीके कोऑर्डिनेट यूज किए बिना फाइंड द इक्वेशन ऑफ एडी ऑफ स्क्वायर एंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ बीडी, जैसे पहले आया था एसी एंड बीडी वाला, वैसे ही सेम। एसी की स्लोप निकाल लोगे, निकाल लोगे ना? यस सर। एम वन ले लेंगे, एम वन इंटू एम टू, तो बीडी की स्लोप आ जाएगी। ओके समझ आई? यस सर। तो एसी स्लोप निकल जाएगी, बीडी की स्लोप एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि डी का यूज नहीं करना उन्होंने बोला है, एम वन इंटू एम टू करके एम टू की वैल्यू आ जाएगी, इस पॉइंट में से पास कर रहा है बीडी, ये यूज नहीं करना डी, बी में तो पास कर रहा है या ओ में से पास कर रहा है, ओके निकाल लिए थे हमने, कोई मर्जी फिल कर देना, इक्वेशन ऑफ बी डी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए सी भी आ जाएगी, समझे? नो सर। बताता हूं फिर से, देखो हमें तीन वर्टेक्स दिए हुए हैं, सिर्फ फिगर में समझाता हूं, अभी ए बी सी गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 6, 3, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 6, -2, सी के कोऑर्डिनेट 2, -5। अब डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये देखो, या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तुम रहने ही दो स्लोप वाले चक्कर में पढ़ने से, पहले तो सेक्शन फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लोगे, एसी का मिड पॉइंट है, yes, निकाल लोगे, ओके कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आए थे हमारे पास, 5/2 एंड -3/2 आए थे, माइनस सॉरी 5/2 प्लस का था, 3/2 माइनस का था, प्लस 5/2 एंड -3/2। डी के कोऑर्डिनेट्स बच्चे फाइंड कर सकते हैं? यस सर। वो -1 -1 आए फॉर्मूला। अब उसके बाद ए बी बी सी सी डी डी ए चारों की लेंथ फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए बी की लेंथ आ जाएगी, चारों इक्वल आ जाएंगे, चारों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। एसी और बीडी की लेंथ भी फाइंड कर सकते हो, एसी और बीडी आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो एबीसीडी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल हैं, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल इफ ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर, देयरफॉर ABCD क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। सर अगर हम लोग साइड्स को इक्वल प्रूफ कर रहे हैं उसके बाद भी डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है? हाँ जी बेटा, चारों साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, बट रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, अंडरस्टूड? ओके सर। सिर्फ रोम्बस प्रूफ करना हो तो चारों साइड्स इक्वल कर दो, बट स्क्वायर का है तो डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे, स्क्वायर प्रूफ हो गया। इसके बाद तो ये सम 7-6 सम की तरह ही बन गया, एसी और बीडी की इक्वेशंस ऑफ लाइन। यस सर। अब तो समझ कर लोगे? यस सर। 8th सम, अ लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द इक्वेशन गिवन है 3y+2 एट राइट एंगल एट एक्स, एक ओरिजिन में से लाइन पास कर रही है, ये ओरिजिन यहाँ पे ले लो 0, 0, मीट द लाइन एट राइट एंगल, ये कोई लाइन है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स इज इक्वल टू 3y+2, इस पे परपेंडिकुलर है,
एट एक्स, ये पॉइंट एक्स है, ये जो पॉइंट है वो एक्स है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, एक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है. हाउ वी कैन फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे? सर फर्स्ट वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू 3y + 2. फिर सर देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर सो द मल्टीप्लिकेशन विल बी -1. चलो इसकी स्लोप आएगी फिर वो. यस ठीक है, पर तू कंफ्यूज हो गई है. 3y को इस साइड ले आए -3y, x को इस साइड लेके -x + 2. y -x/-3 + 2/-3. माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई x/3 - 2/3. कंपेयर किया बच्चे इसको किसके साथ, mx + c के साथ. m की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई, 3/3. वन बाय थ्री, इसको m1 ले लो. इसकी इक्वेशन स्लोप m1 ले ली, इसकी स्लोप m2 ले ली. उसके बाद y2 - y1/x2 - x1 वाले फॉर्मूले से निकालेंगे. माही तो ज्यादा तेज हो गई है, हैं? ओए माही. यस सर. यस वेरी गुड बच्चे, ऐसे ही करना है ठीक है ना. यस सर. मजा आया था ऐसे, मतलब पहले आंसर आते हो ना. नाउ इसकी स्लोप और इसकी स्लोप m1 × m2 बच्चे निकाल लेंगे. इसके इक्वल -1, m1 की वैल्यू 1/3 फाइंड की है, m2 = -1 एंड m2 is -3 आ गया बच्चे हमारे पास. m1 आया था 1/3, m2 इसकी स्लोप आ गई. ये x1 y1 ले लो बच्चे, ये x2 y2 ले लो इसके कोऑर्डिनेट. हमने x के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है ना. अब स्लोप m2 इसके इक्वल y2 - 0/x2 - 0. m2 कितना फाइंड किया हमने, 3 फाइंड किया है, सॉरी -3. y2 / x2 ये क्या हो गया. अब क्या करें माही, नाउ व्हाट वी कैन डू. इसका आंसर क्या दिया है 8 सम का, -1/5 and -3/5. सर ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन से नहीं होगा. नहीं बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन से ही होगा. एक सेकंड, जस्ट वेट. लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द लाइन एक्स इज इक्वल टू दिस एट राइट एंगल एट पॉइंट एक्स एक्स पे. ओके ठीक है, -3 x2 = y2 आ गया ना, ये आ गया. यस सर. जो इसकी इक्वेशन दी हुई थी वो क्या है, x = 3y + 2 है ना. y मतलब यहाँ पे 2 लिख देंगे तो y2 x2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से पास कर रही है जो x पॉइंट है इसी लाइन पे लाई कर रहा है. यस सर. यस और नो. यस सर. यहाँ से y2 की वैल्यू निकाल के यहाँ निकाल ही लिया हमने, यहाँ फिल कर दो x2 - 3 y2 - 3 x2 = 2 - 9 क्या हो जाएगा, 10x2 आ जाएगा = 2. -2 प्लस 2 ही है, -9 आएगा ना. -9 इस साइड आके प्लस हो जाएगा 10x2. x2 की वैल्यू क्या आ गई, 2/10 आ गई. Yes, 1/5 आ गया. यहाँ फिल कर दो y2 की वैल्यू आ जाएगी, समझे? Yes sir, -3/5. Sir. Okay, समझ गए? Yes sir. Sir, please show the solution. Yes बच्चे. हमारे पास x = 3y + 2 थी ना.
क्योंकि जो पॉइंट है वो भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो x के प्लेस पे x2 और y के प्लेस पे y2 फिल कर सकते हैं, समझे? या एक मेथड और है, इसको x2 y2 मत लो, xy ले लो, इसको क्या ले लो, xy, अंडरस्टूड? दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दोनों को एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सॉल्व कर देना, वो भी कर सकते हो, क्योंकि तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसी हो गया ना एक टाइप। यस सर। अभी बच्चे टाइम हो गया है, चलो 8 सम्स ही करना, ठीक है? इवनिंग में बच्चे हम आगे करेंगे, ओके? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।